सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। और यह है एपिसोड नंबर 3 आई थिंक। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरे पास कितने सारे पैसे हैं आज, ठीक है। तो जल्दी से गाइस चलते हैं अपने यहाँ पे जगह पे अपनी और काम शुरू करते हैं। मैं जब ऑफलाइन था गाइस तब मैंने एक और वो लगाया था अपना, अरे यार ये बेकार की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मैंने एक वो लगाया था अपना कंसोल एक और, ठीक है। दो दो हो चुके हैं हमारे पास कंसोल। और देखते हैं भाई ट्रेडर भाई कुछ अच्छी चीज़, लैपटॉप क्या है, गेमिंग। अरे भाई मैं कहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। गेमिंग Z6, ठीक है। कीबोर्ड बकवास, मॉनिटर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी हमें मॉनिटर और किसी की भी जरूरत नहीं है। और ये क्या किया मैंने, साइड से आपको पता हो तो हमने बॉडीगार्ड साइड से खरीद लिया था, आपको मालूम हो तो, वैसे पता ही होगा क्यों, लास्ट एपिसोड में ही खरीदा था साइड से। लेकिन ये कभी कभी है ना बचा लेता है अपने कैफे को वो जो थीव आते हैं जो चोरी करने उनसे, पर हर बार नहीं बचा सकते क्योंकि एक दो बार आ चुके थे थीव अंदर, ठीक है। तो ये है अपना बैग, क्या भाई सब कुछ मैं फुल करके ला के रखता हूँ। और ये रहा दूसरा कंसोल, ठीक है। और ये गाइज एक मैंने BTC माइनर खरीदा था, ये मतलब वो आप बिटकॉइन माइनर जो भी है वो है ये। पता नहीं इससे पैसे कैसे कमाते हैं, अब मुझे वो देखना है, ठीक है। वैसे मुझे कुछ ऐसा ऑनलाइन में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है पैसे कमाने का, फिर भी अब देखते हैं, खरीद लिया है तो अब यूज़ तो करना ही पड़ेगा। इसकी शॉप एकदम सामने जाके राइट मुड़ जाना तो उसके कोने में एक बंदा बैठा होगा, वही बेच रहा होगा, इसके पास बहुत स्टॉक होता है। तो कुछ कुछ लोग तो भाई पूरा रूम BTC माइनर से ही भर देते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको, लेकिन देखते हैं। और ये एक दो पंखे मैंने उतार के रखे थे क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे AC था ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, वेरी कोल्ड। तो वो चीज़ थी एक, इधर देख रहे हो अगर 21 कोल्ड चलता है, ये भी चलेगा 20, ओके 19 भाई साहब, मतलब अलग ही, ओके 19। देखो इधर कुछ भी नहीं है गाइज, AC भी नहीं है और कुछ भी नहीं, फिर भी कहाँ से पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है। सो ओके गाइज मैं जल्दी से अपना ये कर लेता हूँ, इस सब को ठीक करके मिलता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि भाई ये पता नहीं कोई ग्लीच बीच होगा, मिलता हूँ 2 मिनट में गाइज। ओके गाइज मैंने मतलब ऐसे सब कुछ सेट कर दिया है अच्छे से, मतलब यही प्रॉब्लम होती है ये PC में, देख सकते हो आप, इसमें टिका रहा है, इसमें भी टिका रहा है, और ये पता नहीं है एक एक्स्ट्रा टेबल कहाँ से आ गया, ये कभी कभी ग्लिच हो जाता है ऐसा। तो यही प्रॉब्लम होती है उसमें, ये PC में, बाकी ये देखो इसमें कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, मैंने तो नहीं देखी है आज तक। हाँ कभी कभी ये भी डबल हो जाती है, पर कोई बात नहीं। अभी गाइज हम अपना खोलेंगे नहीं, क्योंकि खोलेंगे फिर भी हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये जो कैफ़े है हम वो अभी ओपन नहीं कर रहे गाइज, बाद में ओपन करेंगे, क्योंकि फिर भी हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा उसका, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है ये बॉडीगार्ड अपना, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अमेज़न में हम क्या ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो कि कुछ काम की हो, ठीक है। हमें अभी पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, 25,000 मतलब काफ़ी बड़ी मनी है, ठीक है। तो ऐसे डिज़ाइन तो नहीं, हाँ एक बार देखते हैं गाइस डिज़ाइन करके। ये नहीं है तो वॉलपेपर्स हैं, फ्लोर ओके, फ्लोर में चेक कर लेते हैं गाइस। 2 स्टार के ही है सारे, ब्लैक कैसा रहेगा। वॉल इसमें 3 स्टार है, ठीक है। वॉल मेरे हिसाब से ये कैसी रहेगी, नहीं अरे भाई हर बार मेरे पैसे जा रहे हैं इसमें, तो बहुत पैसे जाएगी। अच्छा ये ठीक लग रही है, चलो फ्लोर देख लेते हैं इसका मैचिंग, ये कैसा रहेगा। और सीलिंग देख लेते हैं, सीलिंग में ये ठीक रहेगी, एक बार गाइस चेक कर लेते हैं। हाँ काफ़ी अच्छा तो लग रहा है मेरे हिसाब से, बाकी आप कमेंट में कहना तो हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ का टेम्परेचर 19 इसलिए रह रहा है क्योंकि ये जो पंखा है वो नीचे रखो या ऊपर रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसको भी ऑन कर देते हैं, देखते हैं इससे क्या, वैसे तो कुछ होता नहीं, आपको कुछ खरीदना पड़ता है शायद से, ऐसा कुछ होता है इसमें। बे ऑन हो जा भाई, अरे भाई बेइज्जती करवाएगा क्या, ये भी डबल भाई साहब। गाइस मतलब देखा एक का डबल होता है यहाँ पे, रुको ऑन करने दो,
अब हो जाएगा, हाँ हो गया। चलो पर गाइस अगर पुलिस का इंस्पेक्शन आया और अगर ये ज्यादा लगी हुई होती है या ऐसा कुछ होता है तो पुलिस वाले पकड़ के मारेंगे। इसलिए देखो पावर बढ़ चुकी है ना, 246 है इसमें, इसमें इसमें भी 246, पर अगर मैं एक हटा दूँ तो कितनी रहेगी, तो आप देख सकते हो 123 है, 1.23। नाइस। चलो सो गाइस अभी क्या करना है, जल्दी से इधर बैठ जाते हैं और मैं बाद में वो BTC माइनर का आपको दिखाता हूँ शॉप कहाँ पे है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, क्रिप्टो में जाना है, मतलब मेरे को कुछ मालूम नहीं है, वो नहीं करना हमें क्रिप्टो विप्टो। अभी हम गाइस कुछ एक्स्ट्रा रूम खरीद के देखते हैं। ये दोनों मैंने खरीद लिए है, ये क्या है, ओके ओके, हर एक रूम में रेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ सारे रूम खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा अपना हो जाएगा। चलो फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ ये, भाई इस तरफ चले जाओ, जितने भी रूम आ सकते हैं उतने ले लेते हैं। भाई साहब सब के सब आ गए, अब देखते हैं गाइस। चलिए 13,000 ही बचे हैं, मैं रूम चेक करने के बाद पूरा का पूरा खोल दूंगा। ठीक है भाई साहब, ये थोड़ी सी जगह और आ गई, अरे तुम जाओ रे भाई, बूस्ट नहीं चाहिए हमको। ये आ गया, ऊपर भी जा सकते हैं हम यहाँ से यहाँ पर। भाई भाई भाई, मतलब जगह ही जगह, ओ, 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 ओ बहुत जगह है। चलो अब गाइस देखो मेरे पास एक आइडिया है, मैं क्या कहता हूँ सारी जितनी भी आर्केड मशीन है ना वो ऊपर रखेंगे, बाकी का सब कुछ नीचे रखेंगे। ठीक है तो जल्दी से काम शुरू करते हैं गाइस, 2 मिनट में। सो ओके गाइस चलो काम शुरू करते हैं। ये रेनबो प्लस 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 सॉरी 2+ और 1 7 प्लस प्लस 7, इसको ऊपर, क्योंकि आर्केड मशीन में है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ऊपर रखेंगे तो अच्छा भी रहेगा काफ़ी, और इधर काफ़ी जगह भी है, नीचे पूरा PC और कंसोल्स का एरिया बना देंगे, मस्त सा मजा आ गई। चलो पैसे तो भाई पूरे वर्थ इट है, मतलब कितनी जगह कितनी है, मतलब आप देख ही सकते हो बहुत जगह मिल गई हमको। और पहले रूम में तो मैं वैसे भी कुछ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरा रूम है, मतलब मेरा कंप्यूटर वहाँ पे रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहता है कि मतलब कोई भी लोग आके देखे आपको कि क्या काम कर, मतलब गेम में तो ऐसा नहीं होता, ये तो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है तो इसलिए। और मुझे थोड़ी जगह का भी वो हो रहा था कि बहुत ऐसा सफोकेशन टाइप, गेम में भी सफोकेशन टाइप होता था, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है हटा लेते हैं क्या और। तो ठीक है अब मैं क्या करता हूँ गाइज, और भी आर्केड खरीद लेता हूँ, जितने भी पैसे सबके आर्केड ही खरीदूंगा सिर्फ, फिर हमारा प्रॉफिट होगा ना डबल। आर्केड लाओ भैया आर्केड, ये 4-स्टार वाला बेस्ट है, और एक वो ऐसा अंदर सा, ये रेनबो प्लस प्लस 7 भी काफ़ी आपकी कमानी कर देगा, मतलब वो पैसे आपको काफ़ी कमा जाओगे आप इससे। ठीक है अभी एग्जिट करते हैं, पैसे खत्म हो गए, 1,000 रुपीज़ ही बाकी हैं, उतने तो रखो भाई, सारे बाल हटा देने हैं क्या मेरे। ये भाई ये भी काफ़ी अच्छा है, ये क्या है, इसका नाम मैंने नहीं देखा, अरे पीछे नहीं भाई, आगे आगे, ठीक है, ये तो पूरा रूम मार्केट का ही बन जाएगा भाई साहब, मजा आएगा। चलो ये भी लगाया, गिरना नहीं, आराम से रखा जाए, फिर से गिर गया, बहुत मार खाएगा भाई, शांति से। अच्छा इसका पीछे का मतलब वो बड़ा है, पीछे जो पूरा सिस्टम होता है वो, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी बेचारे को बैठने में। ठीक है कोई बात नहीं, अब ये जगहों पे हम क्या करेंगे कि लैपटॉप खरीदेंगे और दो साइड दो दो लगा देंगे, ये जो छोटे छोटे रूम दिए हैं ना हमको उसमें। ठीक है, ओ साहब सारे सारे मेरे तरफ ही मतलब ऐसे ध्यान रख रहे थे, और यही सिर्फ अकेला था जो मेरे तरफ नहीं। डन डन डन, ऐसे अंदर और ये रख दी, ओ उसको दबाना थोड़ी था, रुको अब मेरे को इसको सेट करना दो, ये करा सीधा सीधा हो जा, और ये ऐसे ओके डन, अरे ऊपर थोड़ी लगाएगा, बस अब ठीक है। ठीक है ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे आर्किड भी आई गए होंगे। ये है ना साइबर टेरिटरी या ऐसा कुछ ही इसका नाम है, मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से भाई। ये फुल प्रॉफिट करवाएगा आपका और ये इतनी जगह में तो आ ही जाएगा। अगर ये भी काफी बड़ा है, थोड़ी सी जगह सबके बीच में होनी चाहिए ठीक है, मतलब ऐसा कंजस्टेड नहीं लगना चाहिए एरिया पूरा, क्योंकि भाई द पब्लिक खेलने वाली है गेम्स, इसके बीच में काफी जगह है, मतलब काफी तो नहीं है कम है, पर वो अच्छा नहीं दिखता ठीक है, कोई बात नहीं उसका बाद में कुछ कर देंगे उसमें। अब ये तीन बचे, ये ड्रीम, तो ये ग्रीन ड्रीम मेरा फर्स्ट आर्केड है, मतलब सबसे सस्ता वाला ड्रीम ग्रीन 951, नाम ही नाम मतलब। चलो इसको ये कोने में, अब तीन तीन कोने में लगाएंगे, एक तीन ये कोने में और तीन इसके अपोजिट वाले कोने में, और बस ये रूम का काम खत्म। और एक साइड से एसी या फैन बीच में एकदम लगा देंगे ठीक है, बस चलो लगा दो। ये लगाया, ये लगाया, खतरनाक खतरनाक तो नहीं है मतलब ठीक है, वो वाला सबसे सस्ता वाला है वो ड्रीम ग्रीन, किंग ऑफ कॉन्ग ऑफ कॉन्ग भाई इसका नाम ऐसा ही था, किंग ऑफ कॉन्ग लिखना चाहिए, पर ये तो भाई अलग ही है मतलब। ओके, और ये काफी बड़ा मशीन है, मतलब नीचे से तो दिखने में बड़ा ही लग रहा है ठीक है। अभी एक थर्ड वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या करते हैं गाइस कि फिर ओपन कर देते हैं, क्योंकि नहीं 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 फिर भी ओपन क्यों, फिर भी ओपन क्यों, अभी तीन जो है वो बाहर ही है, तो उन्हें भी अंदर लाके लगाएंगे, बाद में ओपन करेंगे, फिर हमारा प्रॉफिट होगा ना। अच्छा अब गाइस मुझे नहीं लगता दो ही चलेंगे, चलो दो ही चलेगी ऐसा। मैंने एक दूसरा भी मंगाया है जो ये जो येलो वाला अभी मैं लगा रहा हूँ वैसा, तो वो वाला यहाँ पे लगाएंगे इसके साइड में एकदम बगल में, अच्छा लगेगा काफी। नाइस, ये लगा दो एंड लेट्स गो। अब एक लास्ट वाला बाकी है साइड से, नहीं यही लास्ट था ठीक है, यही लास्ट था है ना। ओके यही लास्ट था, अब ये गेट करते हैं ओपन, गेट ओपन किया है मैंने, स्टोर ओपन नहीं किया, मतलब स्टोर अपना ये कितने बजे, ओ भाई 22, मतलब हमारा पूरा दिन इसमें ही चला गया, ये सारा सेट करने में ही, और कुछ कमानी नहीं हुई, मतलब आज कुछ भी वो कमाई नहीं की हमने ठीक है। अब इसको भी ऊपर ले जाते हैं, ये बॉक्स भाई ऊपर ले जाके ही डालने जैसे थे ऐसे, देखो ये भी हमारे पास एक है, तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये बॉडीगार्ड है हमारे इस रूम के, ये एक और ये लगाया, चलो लेट्स गो। और अब येलो वाला उठाएंगे और येलो वाले के बाजू में रख देंगे, इसके स्क्रीन क्यों ऐसी हो चुकी है भाई, कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं दिया ना हमको। चलो इसको बाजू में, यही वाला है ना, हाँ यही है यही है, ये काफी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये देखो ऐसे अंदर है पूरा, आप अपनी मुंडी ऐसे घुसा के गेम खेल सकते हो इसमें। देखो ये दोनों दिखने में भाई, ये थोड़ा सा लाइट, ये लाइट है और ये डार्क है थोड़ा सा, मतलब ठीक है होगा कुछ अंदर का, अंदर की चीज उन दोनों की झगड़ा हो गया होगा ठीक है। ये रेनबो प्लस प्लस 7 है, ये हमारा सबसे पहला ऑर्डर था, मतलब अभी जो किया उसमें से। ये बार बॉडीगार्ड है ठीक है, इस तरफ घुमाना है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके आ जाएगा ना यहाँ पे, डन ओके। अब गाइस सुनो मेरा प्लान, आप अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों रूम में एक टेबल लगाऊंगा यहाँ पे और उन दोनों पे लैपटॉप, और सेम टू सेम यही रूम पे दोनों अपोजिट साइड पे लैपटॉप और फिर टेबल ठीक है। अभी चलते हैं घर पे, बॉडीगार्ड तो ध्यान रखना इधर का, मैं जाके आता हूँ, सो के आता हूँ।
चलो 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 भाई, आज तो हमारा काफी ज्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया इन सारी चीजों में। ठीक है, तो अब दूसरे दिन तो अब तो मुझे खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पैसे नहीं है और अब कमाने तो पड़ेंगे ना भाई पैसे। जल्दी से तू हो जा बंद। अरे बंद हो। ओके, ये हो गया बंद। अब चलते हैं, और ये बंद कर दिया। अब फास्ट फास्ट इसमें यार ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए, और वो वॉशरूम का और ऐसा सारा, मतलब बाथ और वो खाना पीना, और वो तो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। एक पिज्जा खा लेते हैं जल्दी से, ईट, और एक डोनट दे दो। ठीक है, अब तो बहुत कम पैसे, मतलब है काफी पैसे, अब इसको साफ भी करना पड़ेगा। चलो एक चीज तो अच्छी हुई, कम से कम थोड़ा सा साफ, मतलब ये हो गया, कम हो गया कचरा, या मतलब जगह जगह बढ़ गई हमारी। भाई हमें एक स्वीपर भी ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए था इन लोगों ने, जैसे शेफ और बॉडीगार्ड किया वैसे। ओके, यहाँ पे सब कुछ क्लीन है। ओ यार, ये रूम तो पूरा ही क्लीन है भाई। इस रूम में तो अभी कोई आया भी नहीं है, और कल पूरा कल के दिन कोई आया नहीं था, फिर भी कौन ये है? लगता है रात में यहाँ पे चोर रहते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही बेकार है, मतलब उसको सारे थ्यूज को रोकना चाहिए ना। एक ही थ्यूज क्यों, एक ही थ्यू क्यों है? ये भी कोई बात हुई गाइस, मुझे बताओ, कमेंट में जरूर लिखना कि ये बॉडीगार्ड अच्छा है कि बुरा है। और हाँ गाइस, ये गेम्स आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। जल्दी से भाई, ऊपर तो और भी कचरा है भाई। अभी इस वाले रूम में कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर यार कोई नहीं आया था यार, सच कह रहा हूँ यार मैं। चलो जल्दी से, गेम थोड़ी सी लैग कर रही है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए, ऐसा मुझे लगता है, मतलब रिकॉर्डिंग तो चालू ही होनी चाहिए भाई। इसके अंदर तक कचरा घुसा दिया है ये किसी ने, कोई कौन पागल है? अब क्या मैं उसको हटा के करूं क्या? चलो ये तो साफ हो गया, अब इसको साफ कर देते हैं। वैसे मैं यहाँ पे थर्ड ला के भी रख सकता हूँ, पर कोई बात नहीं अभी के लिए। ओके गाइस, उतना कचरा तो चलता है, अब कौन ही देखेगा उतना कचरा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जल्दी से इसको फेंकते हैं। ये सारा माल सामान अपने रूम में रहेगा, और जल्दी से इसको खोल देते हैं गाइस। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं, और कौन कौन दुश्मन, मतलब वो आता है अपना थीव या वो। अब देखते हैं कोई, मतलब बिल्स या ऐसा कुछ तो आया ही होगा भाई। कितने बिल्स है ये? रुको थोड़े से कम करो, बस इतने। ओ, कोई मेल आया, मेल आया, रुको मेल आया भाई, प्लीज यार, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन नहीं। ओके ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, ये तो कोई अलग ही था। ओ भाई, चार पांच लोग। सो ओके गाइस, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, जब थोड़े से पैसे कमा ले, मतलब रुको, अब कितने पैसे कमाते हैं हम वो देखते हैं थोड़ी देर तक। सो ओके गाइस, मिलता हूँ जब थोड़े से पैसे हम कमा ले तब। हेलो गाइस, वेलकम बैक, सारे के सारे आ गए। ठीक है, आ गए। 15 को हमारा रूटीन चेकअप है, मतलब पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों का, तो यहाँ पे आए थे, तो मैंने दोनों के दोनों BTC माइनर को निकाल के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि भाई मुझे कोई भी, मतलब ऐसा सारा नहीं चाहिए, मतलब झंझट कि पुलिस वो करके गई ना, ये करके गई ना, इसलिए। तो मैंने, मतलब आपको एक मेल आएगा यहाँ पे, मेल में एक मेल आएगा कि पुलिस आपके वहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे, अरे यार ये है कभी के अभी होना था क्या? मैं गाइस को जब कुछ दिखा रहा होता हूँ तभी होता है क्या ये सब कुछ? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। 15 हो गए, देखो ये पुलिस वाला आया, अब ये देखेगा सब कुछ। हे भगवान, कुछ करे ना प्लीज। ओके, इधर कोई इनलीगल काम तो नहीं हो रहा, बस ये पुलिस वाला यही देखता है, और वो BTC शायद से इनलीगल है। ठीक है, अपना ये जो है वो हट चुका है,
ये एरर कुछ आई थी, ठीक है। तो आपको अगर वो जानना है कि कब वो पुलिस वाले आने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, ये लास्ट में एकदम देख सकते हैं आप लोग, वो पुलिस डिपार्टमेंट आने वाले हैं। तो यहाँ पे जाइए एकदम, ये जो जामा जोर है उसमें फिफ्थ वाले में DWW.com, उसमें ये जो पुलिस वाला है 200 का, वो बाई कर लीजिए, तो उससे आपको आपका पुलिस कब आने वाली है उसका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बैक टू वर्क, और देख सकते हैं आप फुल पैसे ही पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, ऊपर सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं कुछ फैंस और एसी, मतलब एसी खरीद लेता हूँ साथ से, नहीं फैन खरीद ले, एसी खरीद लेता हूँ, ठीक है। एक एसी और एक फैन खरीद लेता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि वो पड़ा रहेगा साइड में, पर फिर भी काम तो करेगा कुछ। अरे वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। ये किचन भी हम लास्ट में खोल देंगे आज, ठीक है गाइस। तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में, फैन बैन लगा के और थोड़ा कमानी करके, ठीक है, चलता हूँ। एज यू कैन सी इधर 21 हो चुके हैं, मतलब कोई आएगा नहीं, सब लोग जाएंगे, ठीक है, 9 बजे के बाद अपने कैफे में। मतलब ये गेम का रूल है कि कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अब ये डंडा भी छोड़ देता हूँ, कोई काम का नहीं है। अब मुझे लगता है ये आखिरी बंदा है, इसके बाद बे क्या पागल हो गए हो क्या तुम लोग, कोई आएगा नहीं, लेकिन जो है वो रह सकता है और मतलब खेल सकता है अपने टाइम तक, ठीक है। अब ऊपर से भी हाँ एक दो लोग आ रहे हैं। ओ अंकल, यहाँ से पागल हो क्या, पागल जाने, वो तो चला जाएगा, कोई बात नहीं। ओ थैंक यू सर, वेल थैंक यू, ओके। और जल्दी से ये क्लोज भी कर लेते हैं, क्योंकि वो साला पागल है ना, एकदम लास्ट में उतरेगा। मैं पागल हो गया क्या, रुक तेरे सिवा तो कोई नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि सब तो पागल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कोई नहीं है, अब चलते हैं ऐसे नीचे और इसको बताता हूँ। अबे देखो वो दूसरा पागल, एक ये पागल और एक वो पागल। अरे अंकल इस तरफ से जाओ ना, पर कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको, ये मेरा कैफे है, निकलो चलो। ओ साहब, गाइस जाने दो इन लोगों को, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बहुत काम है यार, मुझे सभी जगह का बे कैसे हॉट इम्पॉसिबल, ये पागल एसी है क्या हॉट, बे तू भी बे वेरी हॉट। अच्छा ये ठीक, ये भी ठीक नहीं है, Very hot, warm, 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 ये वाला very hot होगा, देखा। अब guys मुझे लगता है 3 से 4 एसी खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि सबके रिव्यू ऐसे आएंगे कि मैं बहुत गर्मी थी इसलिए मैं रह नहीं पाया, और फिर हम 2-3 एसी लगा देंगे, फिर ऐसा रिव्यू आएगा कि बहुत ठंडी थी इसलिए मैं नहीं रह पाया, ठीक है। सबसे पहले मेल चेक करते हैं, मेल ओके, थियू साला अंदर घुसने की, क्वालिटी इज नॉट चीप, इलाइट प्लस इज यू आर लूजर डोंट है साला, देखो यू हैव वन विद योर टुन टुन टुन, ठीक है। अरे अरे जाना नहीं है साहब, ओ साहब रुको। हाँ ये सारे प्राइस तो मैंने हाई करके रखे हैं, लेकिन अभी बाकी है वो अपना खोलना कैफे, मुझे मंगवाने हैं जल्दी से एक और एसी। ये इसमें ब्लैक दिख रहा है लेकिन उसमें पता नहीं क्यों वाइट है, ठीक है। ये एसी निकालते हैं जल्दी से और फिर से लगा देता हूँ। अब क्या कुछ हो रहा है, अब कम नहीं, कम तो नहीं हुआ ये, रुको ये भी लगा के ट्राई कर लेते हैं, फिर तो इसमें भी कम नहीं होना चाहिए, क्या कहते हो गाइस, नहीं इसमें क्यों हो रहा है फिर, नहीं मैं इसको निकाल दूंगा, मैं इसको रखूंगा ही नहीं, क्यों उसमें नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना, तो ले दो एसी ले। अरे थ्रो नहीं भाई, रखना था, गलती से थ्रो पे क्लिक हो गया। अब तो सभी जगह पे मतलब 2 एसी लगाने पड़ेंगे मेरे को, हाँ मेरे पास तो बहुत बढ़ के पैसे हैं, ठीक है। अब लगाओ दो दो एसी सभी जगह पे,
निकाल साले निकाल। क्योंकि गाइस मुझे ये लगता है ना कि ये गेम में थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे कि आप देखो, ये रूम में कोई भी एसी नहीं है, तो उसकी हवा यहाँ पे भी आती जाती होगी, ठीक है? तो मतलब हो गया ना, उसकी हवा मतलब आती जाती होगी, तो वो भी चाहिए, वो भी गर्म हो गया होगा। ऊपर में भी हवा आती जाती होगी, इसलिए वो भी गर्म हो गया होगा। मतलब ये ही मुझे लगता है, मतलब हो भी सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल गेम तो वैसे तो मुझे नहीं लगती। अभी पता नहीं कैसे इसका लॉजिक इतना ज्यादा। अब मुझे इधर लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो लगाऊंगा इधर इसके सामने एग्जैक्ट, जहाँ पे हमारी चीजें है ना, वहीं पे सिर्फ एसी लगाना चाहिए। बाकी का भाई इधर एसी नहीं लग रहा। अच्छा अब लगा, चलो गुड, वेरी वेरी गुड। अब चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं बंद, देखते हैं, ठीक है? अब ऊपर चलते हैं गाइस जल्दी से। ये अंकल और ये एक पागल अंकल, दोनों के दोनों यहीं पे हैं अभी तक, दोनों के दोनों पागल है। इधर है पंखा, उधर है पंखा, तो फिर मैं लगाऊंगा एसी अपना यहाँ पे। अब मैं अगर टेम्परेचर चेक किया और अगर कम नहीं होगा, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूँ ज्यादा एसी खरीद सकता हूँ और क्या, अपने पैसे भी गाड़ सकता हूँ और क्या गाइस। ठीक है वार्म चलेगा, वार्म सबसे बेस्ट है, ये भी वार्म। अरे दो एसी है फिर भी वार्म, कि पागल हो गए हो क्या? लगता तो ऐसा ही है, या तो ये गेम पागल है, या तो मुझे दिख रहा है गलत, या तो ये मशीन पागल है, या तो मेरा फोन पागल है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चलो तो ये ठीक है, अब ये भी गर्म हो गया थोड़ा सा, ये तो वेरी हॉट है भाई। सुनिए आपको मैं वहां पे लगा दूं क्या अंदर? यहाँ पे एसी पंखा दोनों है, तो क्या कहते हैं आप? ये ना बोल रहा है, नहीं ज्यादा गर्म हो जाएगा। अरे अंकल कब से एक्सप्रेशन ही दिए जा रहे हो, इसे इसे टपका दूं क्या यहीं पे? कहते हो तो अभी बेसबॉल बैट लेके आता हूँ, टपका देता हूँ, बोलो क्या कहते हो गाइस आप? ठीक है अब उस उधर का भी मुझे लगाना तो पड़ेगा ही, उस लास्ट रूम में लगा देते हैं। और क्या करते हैं कि अपना जो पक्का हुआ था वही अपना लैपटॉप वैपटॉप कुछ खरीदते हैं, काम धाम शुरू करते हैं। फाइव स्टार लैपटॉप ये रहा भाई साहब, बहुत महंगा लैपटॉप है ये तो। ठीक है कोई नहीं, पर झेल लेंगे। ये मार्बल नहीं, ये वाला खरीदेंगे भाई साहब, मजा आ गया। चलो अब और क्या चाहिए लैपटॉप के लिए? एक और ऐसा टेबल, या तो ये हेडफोन खरीद लेते हैं लैपटॉप में यूज करने के लिए। ये क्यूट हेडफोन खरीद के देखते हैं एक बार, इस बार फाइव स्टार नहीं, इस बार थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बजट, बजट तो है हमारे पास काफी, 8000 का बजट है, कोई ऐरा गेरा बजट हुई। मैं 4 बज गए सुबह के, फिर भी मैं काम करे जा रहा हूँ गाइस। तो अब आपको करना पड़ेगा लाइक इसके बदले में, क्योंकि मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ। क्यूट हेडसेट, अरे हेडसेट डालो फेंको भाई साहब। मैं अच्छा ये तो एसी का है, मैंने कहा ये दो बॉक्स कहाँ से आ गए, मतलब दो बॉक्स बचे कैसे? मैंने मंगवाए थे तो कम भाई। अब इसमें यार कोई भी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। अरे यार हाँ कुर्सी भी तो मंगानी है, कुर्सी मतलब ये यार अपनी चेयर यार, कसम से अंग्रेज चले गए तुम्हें छोड़ गए। ये लगाओ अब देखते हैं। देखो वैसे तो लॉजिकली हम बात करें तो ये जो लैपटॉप है उसमें कोई कीबोर्ड वीबोर्ड की कोई जरूरत होती नहीं है, सिर्फ चेयर की जरूरत होती है तो, और सीपीयू की भी जरूरत नहीं होती। तो भाई मैं तो लगा रहा हूँ, देखते हैं। अरे हो गया, बाय बाय बाय, पैसे बच गए। चलो लैपटॉप सस्ता पड़ता है गाइस, ये लो क्यूट हेडसेट और अभी एक मंगवाता हूँ गेमिंग चेयर। ठीक है अभी रुको, ये रही और ये गेमिंग चेयर, ये एक लगाया। अब बाकी का मैं ऑफलाइन करते रहूंगा अपना ग्राइंड। ठीक है अब मुझे ऊपर का रूम ठंडा करना है, क्योंकि वहां पे है आर्केड ज्यादा, इसलिए मैं थर्ड रूम में भी ये लगाने जा रहा हूँ। पता नहीं ये गेम एकदम से लॉजिकल गेम कैसे बन गई, जब से ये ज्यादा आर्केड मशीन आई है तब से, पर देखते हैं।
होगा, कुछ तो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो आ गया बॉक्स, और ये है गेमर चेयर C99। ये फेंका क्या हूँ, ये उठाया, ठीक है, इसको ऐसे करके लगाए तो ऐसे सीधा आएगा, नहीं आएगा। भाई साहब कमाल है, ठीक है जो भी है वो ऐसे। अब कैसा है, ठीक है। सो ओके गाइस, इफ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये था इंटरनेट कैफे सिमुलेटर का एपिसोड नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।